अमेरिका में नाइट्रोजन गैस के जरिए एक अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी। पहले भी उसे मृत्यु दंड देने की कोशिश हुई थी जो नाकामयाब रही। अब दोबारा सजा दिए जाने को अमानवीय और असंवैधानिक कहा जा रहा है। क्या होता है अगर एक मृत्यु दंड के दौरान पहली बार में अपराधी की मौत न हो सके? क्या इसके बाद उसे सजा से राहत मिल जाती है? आइए जानते हैं। अमेरिकी शख्स केनेथ स्मिथ को करीब 4 दशक पहले हुई एक हत्या का दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे मृत्यु दंड मिला। अब इसी महीने के आखिर में स्मिथ को अलबामा में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के जरिए मौत दी जाएगी। साल 2022 में भी उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मौत देने की कोशिश हुई थी, जो असफल रही। स्मिथ पर इंट्रावेनस यानी नसों के जरिए केमिकल डालने का प्रयास हुआ। हाथ से लेकर गले की नसों तक में आईवी फेल हो गया। कई घंटों की कोशिश के बाद भी एक्सपर्ट उसकी नसों तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद कुछ समय के लिए सजा टाल दी गई थी। ये सब कुछ डेथ चैम्बर के भीतर हुआ, जिसमें मेडिकल और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद से ही मानवाधिकार आयोग इस पर बात करने लगा। अब यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट स्मिथ की सजा का विरोध कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहली वजह ये है कि एक्सपर्ट नाइट्रोजन से मौत को बेहद क्रूर मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अपने आखिरी समय में भी शख्स काफी तकलीफ में रहेगा। विरोध का दूसरा कारण ये है कि स्मिथ को पहले ही मौत की सजा देने की एक कोशिश हो चुकी है। इससे बचने के बाद दोबारा सजा देने का जिक्र संविधान में नहीं है। अमेरिकी संविधान में मौत की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन एक व्यक्ति को एक ही बार ये सजा दी जा सकती है। अगर पहली बार में सजा देने की कोशिश नाकामयाब रहे तो उसे दूसरी बार मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। स्मिथ के अलावा एक और शख्स एलन मिलर के साथ भी ऐसा हो चुका है। ये केस भी अलबामा राज्य का है। 3 हत्याओं के दोषी मिलर को 22 सालों की कैद के बाद मौत की सजा मिली। बीते साल सितंबर में उसे डेथ चैम्बर ले जाकर आईवी देने की कोशिश असफल रही। भारत को देखें तो यहां मौत की सजा देते हुए साफ किया जाता है कि मरते तक फांसी पर लटकाया जाएगा। पहले कहा जाता था टू बी हैंग्ड बाय नेक। अगर रस्सी टूट जाए या किसी भी तरह से फांसी की सजा फेल हो जाए तो उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। बाद में इसे ज्यादा ध्यान से लिखा गया टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, यानी मौत तक फांसी पर लटकाए रखना है। यही कारण है कि फांसी देने के लिए एक्सपर्ट जल्लाद ही काम करते हैं। वे रस्सी तैयार करते हैं। यहां तक कि हर सजा से पहले कैदी का वजन लिया जाता है और उतने ही वजन के पुतले को फांसी पर चढ़ाने की प्रैक्टिस की जाती है। फिलहाल फांसी के बहुत से मामले पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि सजा देने के लिए पर्याप्त जल्लाद नहीं है।